नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर अब थम रही है। इस बीच देश में बीते कई महीनों में कोरोना के नए नए रूप सामने आए। कोरोना के इन रूपों को वेरिएंट कहा गया, जिसमें से एक है डेल्टा वेरिएंट। वहीं इसे लेकर एक नई रिसर्च सामने आई है जो बेहद डराने वाली है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में हुए एक शोध में ये पाया गया है कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी डेल्टा वेरिएंट काफी असरदार दिख रहा है। स्टडी बताती है कि कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन के असर को कम कर दे रहा। वैक्सीन लेने के बाद संक्रमित हुए ज्यादातर लोगों में डेल्टा वेरिएंट ही पाया जा रहा है। एम्स की स्टडी में इस बात की पुष्टि हुई है कि डेल्टा वेरिएंट बहुत खतरनाक है। स्टडी में सामने आया है कि लोगों ने चाहे कोविशील्ड ली हो या फिर कोवैक्सीन, कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट लोगों को संक्रमित करने में सक्षम है। शोध में ये भी दावा किया गया कि कोरोना वैक्सीन की एक या दोनों डोज लेने के बाद भी डेल्टा वेरिएंट लोगों पर अपना असर दिखा रहा है। इसका खतरा कम नहीं हो रहा। हालांकि शोध रिपोर्ट की अभी समीक्षा की जानी बाकी है। फिलहाल आप सभी से हमारी यही दरखास्त है कि वैक्सीन लेने के बाद भी आप सब सरकारी गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें, साथ ही कोरोना से बचने के लिए बताए गए सारे प्रिकॉशंस को भी जरूर मद्देनजर रखते हुए ही अपने रोजमर्रा की चीजों को पूरा करें। शोध रिपोर्ट में अंत में ये भी कहा गया कि डेल्टा वेरिएंट संक्रमण रोकने के लिहाज से वैक्सीन के असर को कम जरूर कर देता है, फिर भी वैक्सीन कोरोना के खिलाफ काफी कारगर हथियार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।